सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या नाम है? सब ये जो आज ये महफिल सजेगी ये और जो उर्दू जर्नलिस्ट के उसको लेकर बहुत सारे इंसान के कौम के लिए इस कलम की दुनिया में, तो आज जो है कुछ ऐसे लोग जो कलम की दुनिया में और कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। शेर में उनके लिए पैगाम, वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के अपने मंदिर से, मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के अपने मंदिर से, कुछ हार में जीना लाजिम है, निशार में जीना मुश्किल। सब चीज़ आ गए तो जो नौजवान इस लाइन में आना चाहते हैं उसमें से बड़ी मुस्तकिल मिजाजी और संघर्ष की सालिक साहब, आपने जो है अब से पहले भी 1977 में आपने जो सुना है कि आपके बारे में कि आपने जो प्रधानमंत्री जी के साथ में जो है जेल भी आप गए, उसके प्रधानमंत्री तो कोई भी जेल में नहीं गया, इसलिए कि हम जब गए थे तो प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी, वहाँ कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और चरण सिंह, इनसे सट्टे मुलाकात, और कल्याण सिंह से खसूसी बात यह कि मैच में हमने उनसे बर्तन भी धो रहे हैं, सबका लगता है खाना बना रहे थे, खासतौर से कल्याण सिंह बर्तन भी साली साहब आपकी जो है अभी 200 के समथिंग अभी किताबें जो है ये आपकी जो है प्रकाशन हो चुकी है आपकी, तो अभी फिलहाल लेटेस्ट में आप करंट में आप कौन सी किताब? मैंने किताब का तर्जुमा क्या है, सऊदी अरब दहशत गर्दी के शायर, ये 500 सफ़ा की किताब है और इसमें जितने भी आलमी तौर पर इंटरनेशनल तंजीम है उनका इसमें काफ़ी पड़ा है, किताब कमबोज हो चुकी है छपी थी। और इसके अलावा मैं अभी यहाँ हूँ, मेरे पास कई दिन से फ़ोन आ रहा है कि साहब कुरान का तर्जुमा कराना चाहते हैं, वो इंतजार मेरा दिल्ली आऊँ तो उसके सोचने में बात है। मौलाना आजाद का जो कुरान है तर्जुमान कुरान, उसका भी मैंने हिंदी में अनुवाद किया, और मौलाना शरीफ खान साहब का कुरान का भी हिंदी में अनुवाद किया, और एल ए जीज का मशहूर उपस्थित मिले सनाउल्ला अमृत शरीफ, इनकी तफसीर सनाई बहुत मशहूर है, वो भी मैंने ही हिंदी में तर्जुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजेंट के साथ जुड़ने के। लिखी अफसाने लिखे, कहानियाँ लिखी और ऐसी ऐसी तसानी लिखी जिनको पढ़कर हम हैरत में पड़ जाते हैं कि इतनी हैरत अंगेज और सच्चाई का सामना करने वाली तसानी हमारे धामपुर में लिखी गई, हमारे धामपुर के बुजुर्ग के तरह लिखी गई, लेकिन हम बहुत देर के बाद उनकी तहरीरों को समझ सके और उनसे कमनसीब ही है, और आज जब उनको 50 से ज़ायद बरस हो गए हैं लिखते हुए, तो जो किताबों जिनमें किताबें शामिल हैं तारीखी, जिनमें नामी पड़े हुए शामिल हैं तारीखी, और इलाज व मुआवजा की किताबें भी हैं, और उनको कहानियों की किताबें भी हैं, अफसाने भी हैं, और फिलोसफरों की किताबें भी हैं, ऐसी 200 किताबों का 200 कुतुब का तर्जुमा जनाब सारिक धामपुरी साहब ने किया है। कुछ किताबों को धामपुरी साहब का जो सबसे बड़ा जिंदगी का कारनामा है, जिसका हमारे धामपुर के बहुत कम लोगों को मालूम आते हैं, उस दौर के लोग तो जानते हैं जो उनके हम कहें नूर से हो मनवरिए सारी
नबी उम्मत मुस्तफा पढ़िए सल्ले अला पढ़िए सल्ले अला। वाह सुभान अल्लाह, ये शेर बहुत पसंद है मुझे। अदा है आपको भी आए और बहुत मजा। वो जो आए